नए वीडियो में फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीआरएस टीम पर। तो आज के इस वीडियो में सिलेबस बताने वाला हूं मैं सीबीएस कोर्स के लिए, जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की तरफ से कराया जाता है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सीबीएस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक प्रीफर करना चाहिए। तो आज मैं आपको सिर्फ सिलेबस बताऊँगा, अगर आप इतना ही पढ़ लेते तो आप आराम से जो है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ब्रोचर में जो है यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। इतना सिलेबस बस पढ़ने की ज़रूरत है आपको, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बायोलॉजी से जैसे देख सकते हो, सेल बायोलॉजी से इतने सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें से आपको पढ़ना होगा। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से, इकोलॉजी से, ह्यूमन्स एंड इन्वायरमेंट से, बायोटेक्नोलॉजी से, और बायोलॉजी ऑफ एनिमल सिस्टम से, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डेवलपमेंट बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ, इम्यूनोलॉजी, सारे से जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एमसीक्यू। बायोलॉजी ऑफ प्लांट सिस्टम से जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री से देख लेते हैं, केमिस्ट्री से आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री, मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, मोल गैसियस एंड लिक्विड स्टेट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, सारे से जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा बोल सकते हैं कि आप जो है अगर 11th और 12th क्लास की बुक यानी कि एनसीईआरटी बुक को ही पूरा पढ़ लेते हैं तो आराम से आप जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जो है इसको डाउनलोड करके इस सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ से ही आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसमें से आप पूरा सारा कुछ पढ़ लीजिएगा।